नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से, जब से एनडीए की सरकार बनी है, खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं और उनके कोई बयान नहीं आ रहे हैं। तो जब भी नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आता, जब भी नीतीश कुमार खामोश रहते हैं कुछ दिन, कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। लोकसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सांसद जीते और एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए की सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के खबर चल रही है कि कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी भी पाला बदल सकते हैं। उसके पहले बड़ी खबर है, वक्त से पहले विधानसभा चुनाव बिहार में करा सकते हैं नीतीश कुमार। विधानसभा को भंग करके मैदान में आ सकते हैं। और वहीं पर बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ चुकी है और पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर को मैं इसलिए बता रहा हूं, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जब भी नीतीश कुमार अस्पताल में भर्ती होते हैं, जब भी नीतीश कुमार कोई राजनीतिक बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं तो ज़्यादा मीडिया के सामने आते नहीं हैं। मीडिया में बाइट देने के लिए नीतीश कुमार को नहीं जाना जाता, नीतीश कुमार को काम करने के लिए जाना जाता है। और नीतीश कुमार की जो क्षमता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी लोकसभा के चुनाव में 12 सांसद उनके जीत कर आए हैं। तो जब अस्पताल में भर्ती हैं तो अस्पताल में भर्ती को लेकर के बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं। उलटफेर का मतलब बिहार में भी उलटफेर हो सकता है, केंद्र में भी उलटफेर हो सकता है। पटना और दिल्ली, उनकी नज़रें दोनों जगहों पर हैं इस समय। दोनों जगहों पर नीतीश कुमार इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं पर प्रशांत किशोर का बयान आ चुका है। वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने दावा किया था कि बीजेपी 2024 में 400 के करीब सीटें लाने वाली है। इन्होंने कहा है, नीतीश कुमार पर बरसे प्रशांत किशोर, कहा पैर छुए बिहार के लोगों की इज्जत बेच दी। पैर छुए और बिहार के लोगों की इन्होंने इज्जत बेच दी, ये कहा है प्रशांत किशोर ने, जो मोदी का। और आज तक की खबर है, विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव के साथ थे, तब भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी समय समय पर उनको परेशान करती रहती है, बीजेपी के नेता अनाप शनाप कुछ बोलते भी रहते हैं। वहीं पर मैं अगली खबर बताता हूँ, चंद्रबाबू नायडू को आया नीतीश कुमार का फोन। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तब नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे और नीतीश कुमार को लेकर के खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है या नीतीश कुमार नाराज हैं और चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे थे। वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी बैठक है राष्ट्रीय, 29 तारीख को दिल्ली में होगी और दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हाल में सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। और यहां पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को लेकर के बिहार के दो उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला था, सम्राट चौधरी और सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी, मैं उनको दिखाता हूं। और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को ये बताया था, ना तो कोई किंग है ना तो कोई मेकर है। थोड़ा सा उसको भी सुन लीजिएगा। देख सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह जब मोदी जी का नहीं हुआ था तब सम्राट चौधरी ने बोला था, हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, वे बिहार के नेता हैं, बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी को खड़ा कर दिया, तो ऐसे नेताओं को बिहार में बीजेपी अपना
कोई नेता नहीं खड़ा कर पा रही है जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके, जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। तो बिहार में मजबूरी रहती है कि बीजेपी अगर अकेले लड़ेगी तो 50 सीटों पर सिमट जाएगी, 50 सीटें 40 सीटें। अगर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ लड़ेगी तब एक प्रचंड बहुमत आ जाता है और बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति बहुत कमज़ोर बताई जाती है। इन्होंने कहा है विजय सिन्हा ने, बिहार में ना तो कोई किंग है और ना ही कोई मेकर, सभी जनता से मिले हुए जनादेश राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं। विजय सिन्हा मतलब कि इन्होंने जो किंग बोला जाता है, किंग मेकर बोला जाता है, उसको विजय सिन्हा ने इग्नोर कर दिया, मतलब कि नीतीश कुमार को इग्नोर कर दिया गया है यहाँ पर। और इन्होंने सारा का सारा क्रेडिट जो है, भाई राष्ट्रवाद का मतलब इस समय मोदी जी को ही माना जाता है, बीजेपी को ही माना जाता है, और अगर आप विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं तो जातिवाद माना जाता है, और अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं, आप बीजेपी की बात करते हैं तभी राष्ट्रवाद है, अन्यथा राष्ट्रवाद नहीं माना जाता है। तो विजय सिन्हा ने यहाँ पर बड़ा दावा किया है। और उसके अलावा बिहार की राजनीति में लालू यादव या लालू के परिवार की एंट्री भी खास मायने रखती है। हो सकता है सरकार ना बना पा रहे हों, अभी सरकार में भी थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन मैदान में उतरा था बिहार में, उस उम्मीद पर बिहार में इंडिया गठबंधन को सफलता नहीं मिली, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई, यानी कि एनडीए पूर्ण बहुमत में आ गया। अगर इंडिया गठबंधन वहाँ से 10 सीटें और ला लेता, जिसकी संभावनाएँ थी और नहीं हो पाया, और लालू यादव की बेटी ने बोला है कि नीतीश हमारे चाचा हैं, नीतीश हमारे आदरणीय हैं, हम उनको साथ लाने का प्रयास करेंगे। वैसे जब जब बयान देते हैं तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव के सहयोगी, तो नीतीश कुमार को दर्जी जरूर दी जाती है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक उलटफेर करने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 29 तारीख को जो बैठक है उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के शपथ में ना जाना, विधानसभा भंग कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर तो बड़े बड़े दावे करते ही हैं, इनकी बात ही अलग है। और वहीं पर नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, तबीयत खराब है तो बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या पिछली बार जब तेजस्वी यादव की सरकार के साथ का साथ इन्होंने छोड़ा था तब भी यही संवाद की स्थिति नहीं थी? अचानक से तबीयत बिगड़ती है और अचानक से नीतीश कुमार कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार यही खेला करने वाले हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, News24 की रिपोर्ट है, वक्त से पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को लेकर के आपकी क्या राय है? इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इंडिया में आना चाहिए क्या, एनडीए में ही रहना चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।